सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फोन पे से जो है आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप जो है फोन पे से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जो है आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जो है बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से फोन पे से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे आपको कैसे ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है, और आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है लेफ्ट साइड में एक आइकन दिख जाएगा, देख सकते हैं ऊपर पे प्रोफाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका ऐड रहेगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, देख सकते हैं इस पर क्लिक करके जो है आपको बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक का नाम यहाँ पे आ जाता है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका जो है बैंक अकाउंट किस बैंक में है। यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले से जो है यहाँ पे चार बैंक अकाउंट ऐड कर रखा हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पे फोन पे से पैसे अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं टू बैंक UPI ID, तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा बैंक अकाउंट और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा UPI ID। अगर आप जो है UPI ID से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो UPI ID पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है नीचे प्लस का आइकन दिख जाता है, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे आप जो है गूगल पे फोनपे पेटीएम का UPI ID डालकर आप यहाँ से पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप जो है बैंक अकाउंट नंबर से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हैं बैंक अकाउंट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आपको प्लस का आइकन दिख जाएगा राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो बैंक अकाउंट नंबर में पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट जो है किस बैंक का है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आप बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हैं वो किस बैंक का अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है जो भी अकाउंट नंबर में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है आपको FSC कोड का जो ऑप्शन है यहाँ पे जो है नोट रिक्वायर है, यानी कि जो है आपको FSC कोड डालने की आपको जरूरत नहीं है, आप जो है यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नंबर डालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, अकाउंट नंबर डालने के बाद जो है आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निक नेम का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे निक नेम डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं प्रोसीड टू पे, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्राई अगर यहाँ पे लिख करके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर से जो है आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर सेव हो जाएगा इस लिस्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी सारे हम बैंक अकाउंट नंबर को सेव कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेव हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो है आ चुका है मिस्टर, देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ चुका है मिस्टर MD लिख करके आ चुका है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, यानी कि अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे सेव हो चुका है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे अमाउंट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कितने अमाउंट जो है पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डेमो के लिए 10 रुपया यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो हम 10 रुपया यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक एरो का आइकन दिख जाएगा, देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिख जाएगा कि आप कितने बैंक अकाउंट ऐड किए हैं और किस बैंक अकाउंट नंबर से जो है आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम फोनपे में 4 बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं, तो हम जो है इस बैंक से जो है पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो हम इस पर टिक कर दिए हैं। आप चाहे तो दूसरे बैंक अकाउंट नंबर से भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है आपको राइट साइड में पे का ऑप्शन मिल जाएगा, तो पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अब जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे UPI पिन डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे UPI पिन डाल देना है जो भी आपका UPI पिन है। और उसके बाद जो है आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका पैसा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली जो है यहाँ पे हो चुका है। सो इस तरीके से जो है आप फोन पे से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।